मेरा नाम चेतन है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में 5 मेंबर है। हम 15 साल से इसी घर पे रह रहे हैं। मुझे जोमैटो में काम करते हुए 4 ईयर्स हो चुके हैं। जोमैटो से पहले मैं एक कैफ़े में काम करता था, वहाँ मैंने बहुत साल दिए। वहाँ मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी, कभी भी टाइम से सैलरी नहीं मिलती थी। फिर मेरे दोस्त ने मुझे जोमैटो के बारे में बताया और फिर मैंने जोमैटो ज्वाइन किया और मेरी सब प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। पहले तो सैलरी मुझे टाइम टू टाइम वीकली मिलने लग गई, दूसरा टाइमिंग मेरे हिसाब से हो गया। सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि सैलरी हमें जो है वीकली आती है, जितना हम कमाएंगे उतनी आएगी। कभी भी हमें फाइनल से ये दिक्कत नहीं आई कि हमारे पास पैसे नहीं है और किसी से लेना है। फ्लेक्सिबल टाइम होने की वजह से मैं अपनी फैमिली को मनचाहा टाइम दे सकता हूँ। कोविड टाइम में तो बहुत इश्यू आया हमारे साथ, मेरे भाई का काम भी बंद हो गया, मम्मी का भी ऑफिस बंद था और फाइनेंशियल इश्यू बहुत था। पर यह है कि जोमैटो में काम करने की वजह से हमारा सबों से ज़्यादा प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वैसे तो मैं 12th पास हूँ, फाइनेंशियल इशू होने की वजह से मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं कर पाया था, पर इस वर्क की वजह से मैं उतना ही अर्न कर पा रहा हूँ जितना मैं ग्रेजुएशन होने के बाद कर पाता। मम्मी और मैं काम पे गए हुए थे, अचानक पड़ोसियों का फ़ोन आया कि हमारे घर में आग लगी है। जैसे तैसे करके हम ऊपर आए तो मैं देखता हूँ कि मेरे घर में कुछ है ही नहीं। हम एकदम हिम्मत हार गए कि हम आगे कैसे फाइनेंस कैसे करेंगे, कैसे सामान बनाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम। लेते कि इंसान के पास घर ही होता है और हमारा घर ही चल चुका था, हमारी सारी सेविंग ख़त्म हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे करें। फिर हमने कर्जा भी लिया। मुझे अपने और अपने घर वालों पे प्राउड फील होता है कि हम अपने पैरों में खड़े हैं और इतना कमा पाए हैं कि ना सिर्फ हमने अपना चला हुआ घर फिर से बनाया और बल्कि पहले से भी बेहतर बनाया। मैं इस शॉप का थैंकफुल हूँ कि मैं आज अपने पैरों में खड़ा हो पाया। लास्ट वीक अब बारिश आ रही थी तो मुझे तब अपने आप पर बहुत प्राउडफुल हुआ कि एक सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड थे और बारिश के टाइम में मुझे उन्होंने देखा और कहा, आई सलूट यू कि आप बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो या धूप हो, उसमें भी आप सबके लिए खाना लेके आ गए। और मुझे उस टाइम बहुत प्राउड फील हुआ अपने आप पे।